कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये देखें जी, अभी हमारे किचन में बन रहे आलू कीमा। तो फिर हम तो खाएंगे कैसे बनता है जी? हम क्या करेंगे? खाएंगे कैसे बनता है। तो आप इधर क्या कर रहे हो? मैं दूध चावल। दूध चावल हो गया आप? आपको दूध चावल अच्छे लगते हैं? ये मेरा बच्चा, ऐसे दूध और चावल बड़े अच्छे लगते हैं। जब मामा छोटी थी ना, मामा को भी अच्छा। मुझे दिखाओ, आपको चोट कहाँ लगी? कैसे चोट लगी? सीढ़ियों से गिरा था। तो ये चोट सीढ़ियों से गिरे थे, तो ये पनिशमेंट क्यों मिली आपको? क्यों पनिशमेंट मिली? क्योंकि आप मेन थे। क्यों? मेरा बेटा बेचारा सीढ़ियों से स्कूल में गिर गया, मैं सद की वजह चोटी लगी। हमें चोटी लग गई मीठे बच्चे को। ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह जी। यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है, साथ साथ हम आटा गूंदेंगे। अब साथ साथ आप उससे गप्पा करेंगे। इसमें का पानी और डाल दिया हमने। एक सेकंड अभी देती है, बेटे वेट करो। भूख लगी है बच्चों को, एक तो दूध और चावल खा रहे हैं, लेकिन हम खाएंगे कीमा और रोटी। मसाला चेक कर लेंगे इसका। नमक थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, अंदाजे से डाल देंगे, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि कितना कम है और कितना डालना है। इतना डाल के दोबारा फिर चेक करेंगे। अब अपना फ्लेम हम लो कर देंगे और इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे, लगा नहीं देंगे, सिर्फ रखेंगे। फ्लेम हमारा लो पे है, तो मैं आटा गूंदने लगी हूँ। यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पे आटा आ गया हमारे पास। अब इसमें डाल देंगे ऑयल। मैं आटे में ऑयल डालती हूँ और नमक भी डालती हूँ, इससे जो रोटी ना वो सॉफ्ट बनती है। आप कहेंगे रोटी तो वैसे भी सॉफ्ट बनती है, बस डाल लेते पानी दो। इतना सा आटा और नमक डाल देंगे। बच्चे जो है ना, मैं आपको दिखाती हूँ बच्चे। हाँ जी, हाँ देख लें कितने कितने चाहिए, पूछ लें फॉर्म पे कितने कितने लगनी है। क्लब पे क्यों नहीं डाल जाना? जल्दी से जूते पहनो और पिक्चर बना के लेके आओ। गो टीवी ने तूफान उठाया हुआ है। और आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है। ये देखें गार्डन कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये छोटा सा पौधा है जो मेरे रूम में। ओके अल्लाह हाफिज़। कौन कौन जा रहा है? मैं, हमजा। वो मेरा गौन उठा के, वो देखें मेरा गौन कहाँ गिर गया। अल्लाह, आपने क्लब में मेंबरशिप नहीं लेनी जी? लेनी ना सोकर का भी, बैट बॉल का लेना है। चलो ठीक है, बैट बॉल का भी ले लेंगे और सोकर का भी ले लेंगे। आपका पूल का लेंगे या बैडमिंटन का लेंगे? हाँ देखेंगे ना कौन कौन सी ऑप्शन है अभी। अब चलते हैं हम अपने आटे की तरफ। शुक्र है कि टीवी बंद हुआ है, थोड़ी खामोशी हुई है। चलें जी, अब हम लेंगे देखिए में पानी, मैं लेके आती हूँ। आप लोग तब तक आटे को देखें कि इसमें कुछ है तो नहीं। Mommy!
ओके बिस्मिल्लाह चलें जी। हाँ तो ओके अब मैं रोज़ फेसबुक पे लाइव आऊँगी, सॉरी फेसबुक पे कह रही, यूट्यूब पे लाइव आऊँगी और आप लोग से अपनी रूटीन कोशिश करूँगी कि अपने रूटीन भी शेयर करूँ आप लोगों के साथ, ब्लॉग रोज बनाऊँगी। जी क्लब में जा पाए और आप फन कर सको और आप थक जाओ और आप सो जाओ। बच्चों को स्कूल से आते हैं बच्चे, फिर फोन और गेम और टीवी बस ये देखते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि बच्चों को कोई अच्छी गेम पे इन्हें डाल दें ताकि ये एक्टिव रहें और फुर्ती ले रहें और फोन से जान इनकी छूट जाए ताकि ये फिजिकल थके मेंटली ना थके। बच्चे जितना बिजी रहते हैं बच्चे उतने ही अच्छे रहते हैं, जितना हम बच्चों को फ्री छोड़ते हैं बच्चे उतने ज़्यादा बदतमीज हो जाते हैं। आटा मैं थोड़ा सख्त गूंथती हूँ क्योंकि मुझे पतला आटा जो है ना पसंद नहीं और मुझसे वो उसकी रोटी भी नहीं बनती, तो इस चीज़ से मैं तंग कर रही, इसे हम साइड पे कर देंगे। अगर आप आलू कीमे की शुरू से रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लाइव, फेसबुक पे लाइव गई थी, वहाँ पे मैंने शेयर की है। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फटाफट से फॉलो कर लिए, मेरा पेज है टेस्ट राबी फूड के नाम से। और इसके साथ साथ यूट्यूब पर भी मेरा ये जो पेज है टेस्ट राबी फूड के नाम से है। इंशाल्लाह मैं रूटीन में व्लॉग शेयर किया करूँगी और लाइव भी आया करूँगी, तो फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आपको एक कैजुअल सी रूटीन देखने को मिले और कैजुअल सा माहौल आपको देखने को मिले। हमारी वीडियोस ऐसी होती हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं ये भी आप लोगों को हम दिखाते रहें ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि आप अपने बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं। ये प्रेशर मुझे साइड पे बड़ा तंग किया, मेरा हाथ जो ना हो गया साफ और मैं इसको करूँगी साइड पे, एक तरह से चेक कर लेंगे। इसकी शक्ल मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें जी मचके मचके पकड़ने की कोशिश में। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग मेरे डेली रूटीन व्लॉग देखना चाहते हैं या कुकिंग के वीडियोस देखना चाहते हैं ताकि मैं उस हिसाब से मेहनत करूं। क्या चाहिए आप लोगों को मुझे कमेंट्स में प्लीज बताइएगा। रात नीचे से स्लिप हो रही, मुझे कपड़ा दे दो सीधा नीचे रखने के लिए, यहाँ नीचे रख दी, इस तरह ये शीट हमने नीचे रख दी ताकि अब हमारी जो प्लेट है वो कौन है मैं आटा जल्दी गूंद लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा हार्ड आटा पसंद है तो इसलिए उस पर इतना टाइम नहीं लगता। उसे पूछो ब्लेड कहाँ पे है, क्या ब्लेड कहाँ पे ये उतारे हम, बोलो पेंट उतारने वाला जो ब्लेड है ये शीशा साफ करने वाला वो दो ताकि हम इससे ये माइक्रोवेव से स्टिकर उतार दें। ये देखें कितना मुलायम और कितना अच्छा लग रहा है आटा, इसमें बिल्कुल भी गिरटियाँ नहीं, देखें कितना सॉफ्ट सा महसूस हो रहा है, मेरे हाथों पर भी इतना नहीं चिपका, हालांकि मैं आटा गूंद रही हूँ। ये देखें जी आटा हमारा तैयार है, अब हम इसे एक बोल में डाल लेंगे और इसे साइड पर कर लेंगे। नतीजा
मुझे दो आटे डालने के लिए। इस पे पानी लगा दिया और इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा, ताकि मुझे दो जिसमें हम आटा डालें, बोल दो कोई। ये डो को ना हम ऐसे ऑयल के साथ कवर कर देंगे, इससे ये होगा कि इसके ऊपर जो आटा हमारा ड्राई हो जाता है और हार्ड हो जाता है, इससे वो नहीं होगा और आटा हमारा ऐसे ही सॉफ्ट रहेगा, चाहे हम इससे जितनी देर भी रखें। थोड़ा सा मेस है किचन में, लेकिन नहीं आटा वही माशाल्लाह इतनी बरकत हुई है। मुझे थोड़ा सा आटा उसने दिया था कि बाजी फिर बच जाता है आटा और फिर जो ना वेस्ट हो जाता है, थोड़ा गूंदे वो, ये देख के कह रही कि ये भी ज्यादा लग रहा है। अच्छा ये स्टिकर अभी हम उतारेंगे, ब्लड का पता किया है कि नहीं। और ये देख लें जी मेरा यूट्यूब बटन पड़ा है यहाँ पे छोटा सा क्यूट सा। उसे बोलो बाजी कह रही कि दो मैं उतारती हूँ। और ये देखें, अच्छा ये देखें, इसे हफ्ते में थोड़ा सा एक गिलास पानी देना होता है और ये आराम से सुकून से यहाँ पे लटका रहता है। स्टैंड हमारा आ जाएगा फिर से अपनी जगह पे। चलें इसमें डाल दें, लेकिन इसमें तो ज्यादा थोड़ा तो नहीं आना इसमें। अच्छा हरा धनिया मुझे दो, नहीं इसमें पूरा नहीं आना। ले जी मुझे ये टिफिन मिला है, बस चले इसके ऊपर हम प्लास्टिक रैप लगा लेंगे, थोड़ी सी इसमें रोटियां बनाएंगे फिर इसमें पूरा आएगा। हरा धनिया दो मुझे और हरी मिर्च दो, दो की जगह मैं काट लूंगी, नहीं मैंने वो रख दी थी। चले इसे हमने रैप कर दिया, इसे हम कर देंगे साइड पे और यहाँ से काउंटर लेंगे तो एक साथ इसी कपड़े के साथ। देखिए आटा कैसे फैल गया, चलें वक्ती तौर पे तो हो गया ऐसे साफ, इससे डिटेल में करेंगे बाद में साफ। अभी ये मेरे हाथ में टिश्यू था, इससे भी इसे साफ कर लेंगे। अब हम करेंगे कटिंग, मुझे कटिंग बोर्ड दे दो। यहाँ पे हमारे पास है धनिया, इसे हम साफ कर लेंगे। लाइट्स और ऑन करते हैं, ये देखें जी मट्टी वाला धनिया है, इसे बड़ा अच्छी तरह वॉश करना पड़ेगा। पहले तो जो हमें थोड़ा सा चाहिए वो निकाल लेंगे, साथ साथ अपनी कांडी को चेक करते जाएंगे। ओहो चलो बंद हो गया, मैं कहाँ से धनिया निकालूँ ये मुझे आप लोग भी वैसे बता सकते हैं। आप देखें कि कहाँ कहाँ से मैं उठाऊंगी।
ये सारा साफ लग रहा है, इसे को निकाल लेंगे। अभी वहीं पर रखो ये सारा, अब जो ना मट्टी हो गई है मैं पकड़ती हूँ अभी। ये साथ मेथी भी है, धनिया के साथ और मेथी जो है ना वो फ्री में मिली हमें, जो कि हमारे किसी काम नहीं आनी। एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ मियां साहब। हाँ जी कैमरे क्या, अल्लाह यार मेरा कान फाड़ने, क्या करते हैं आप? मैं उसी हो रही थी। अच्छा आज आप YouTube पे लाइव है, फिर क्या करूं? अच्छा अब्बू कह रहे थे कि बच्चों की तस्वीर कौन सी बनानी, पासपोर्ट साइज की किस साइज की? वो कह रहे थे कॉल, वो कह रहे थे कि कॉल करके बता दें, कॉल करके मैं बता दूं। इतनी तेज विसल थी कि कान के पर्दे को भी क्रॉस कर गई है। हरी मिर्चे भी मुझे दे दो, वॉश कर दो ना। इसमें से जो ड्राई ड्राई है उसको हम निकाल देंगे साइड पे, इसे साफ कर लेंगे। आप लोग मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि लाइव कुकिंग अच्छी है या कुकिंग का व्लॉग होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप? साथ साथ कैचुअल बातें भी होनी चाहिए कि सिर्फ कट टू कट बात होनी चाहिए, ये डाल दिए इसे पका लिया, इसे मिक्स कर दिया, इसे दम लगा दिया, इस पर धनिया डाल दिया, अब इसे सर्व कर दिया, ऐसे होना चाहिए या बस ऐसे साथ साथ सफाई सुथराई भी होनी चाहिए चीज़ों के? मुझे वैसे ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं जिनमें काम हो रहा होता है कि कैजुअल सी बातें हो रही हैं, गपशप हो रही है, साथ साथ चीज़ें साफ की जा रही हैं, जैसे कि स्ट्रीट फूड में हम देखते हैं, तो मुझे इस तरह की वीडियोस वैसे अच्छी लगती हैं। अब आप लोगों को किस तरह की अच्छी लगती हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि हम फिर ऐसी वीडियोज़ बनाए ना जो आपने देखनी हो, ऐसे हम बेकार में वीडियोज़ बना लें और फिर आप लोग देखो ना तो फिर उसका क्या फ़ायदा। वैसे हर किसी का अपना टेस्ट है, किसी को क्या अच्छा लगता है किसी को क्या अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं जो मुझे अच्छा लगता है वो आप सबको भी अच्छा लगता हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप धनिया को ज़्यादा देर तक सेव कर सकें तो आप किसी जार में पानी ले लें और उसमें धनिया जो है ना उसे ऐसे उसमें डाल के तो रख दें, तो आपका धनिया ज़्यादा देर तक फ्रेश रहेगा। मेरे पास फ्रिज में ऐसे जगह नहीं थी, और वैसे मैंने पहले जो लड़की है ना उसे मैंने बताया भी नहीं कि इसे कैसे कर सकते हैं। अब क्योंकि हम लोग अभी भी यहाँ पे मूव हुए हैं, आस्ता आस्ता चीज़ें जो वो सेट होंगी और आस्ता आस्ता चीज़ें जो वो ऑर्गेनाइज होंगी और फिर आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये जो छोटे छोटे साफ साफ नजर आ रहे हैं इनको भी हम उठाते हैं। ये देखिए कितनी मट्टी निकली धनिया में से, क्या बात है। इसे फिर साफ कर लेंगे, ये मुझे वॉश करके दो पिज्जा। अच्छी बड़ी मट्टी है, अच्छी जगह खुले पानी से। चलें जी कटिंग बोर्ड आ गया यहाँ पे हमारा,
आसा का मसाला चेक कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी सूखी मेथी खुशबू के लिए। जब तक हमारा धनिया नहीं आता हम कैमरे को याद रखते थे। क्या करें, वीडियो को वुड के चम्मच के साथ कुकिंग करें। जी वुड के चम्मच के साथ भी करें, ये मेरे पास नॉनस्टिक है तो बस मैं इसी से कर रही हूँ। वालेकुम सलाम हरीम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, लव फ्रॉम इंडिया। वालेकुम सलाम, जी बिल्कुल। ये देखें ऑयल जो है कीमा जो वो ऑयल को छोड़ रहा है, कोशिश कर रहा है कि मैं इसे लग हो जाऊँ, लेकिन हम इसे लग नहीं होने देंगे। हम चम्मच चला चला के फिर से इनके सुलह करवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा भूल गया, थोड़ी सी सूरी मेथी डाल रही हूँ। देखें हाथ गिला था, हाथ पे छुपा दूँ। और मुझे वो दे दो, नाइफ दे दो बड़ी वाली। अब चेक करते हैं आलू हमारे गले हैं कि नहीं, इधर रख के चेक करते हैं। ये देखेंगे आलू हमारे गल चुके हैं। अब फ्लेम को बिल्कुल हम लो कर देंगे। जो बड़ी छुरी में यूज करती हूँ वो वाली, जो मेरी छुरी है। अब हम दराज में से छुरी निकालेंगे साथ साथ कि मैंने कहाँ पे रख दिया। ये वेट मशीन है, जब हाँ ये छुरी मुझे चाहिए थी। इसका कवर हम ये भी उतार के रख देंगे, क्योंकि इससे यूज़ करने के बाद फ़ौरन वॉश करके हम जो है ना वापस रखेंगे, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो इतनी तेज़ छुरियाँ जो है ना वो मैं ये आ गई यहाँ पे, और इसे हम वैसे साइड। ये मेरे पास बेकिंग के लिए और इसी तरह की चीज़ें सारी पड़ी हैं, ओवन से रिलेटेड और केक से रिलेटेड। ये ऊपर से हम निकाल देंगे। और अगर आप धनिया ग्रो करना चाहते हैं तो इसको भी आप पानी में डाल के ग्रास में इस तरह इसे आप रख दें तो इसके ऊपर से धनिया निकल आएगा। हमने रख कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोटा मोटा से हम डालेंगे जब खाने में मुंह के अंदर आएगा तो उसका एक अपना अलग ही मज़ा आएगा। वाह वाह, चलें जी बस। और अब बारी है हरी मिर्चों की। ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा हम बारीक नहीं काटेंगे, क्योंकि बच्चों के मुंह में ना जाए, इसलिए मैं इसमें बड़ी बड़ी ही रखूँगी। वैसे हमने पीस के डाली हैं और इनके इन्हें दो हिस्सों में हम काट लेंगे।
और मुझे लगता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो आ चुके हैं। ये देखें हमारा धनिया और हरी मिर्चें जो हैं वो रेडी। और मुझे लगता है कि हमारा खाना भी रेडी है। एक आलू हम यहाँ पे निकाल के देखेंगे, हाथ से प्रेस करके, ये देखें अच्छे से गल चुका है। लाइट कम क्यों, सारी लाइटें ऑन है, सारी ऑन है, इसमें क्यों कम लग रही है, ये देखें जी। अब हम इस पे गार्निश कर देंगे। ये देखें कैसे कि मैंने ऑयल को छोड़ दिया। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे धनिया और हरी मिर्चें और मज़ेदार सा हमारा कीमा जो है वो रेडी है। अब इसके साथ हम फुलके बनाएंगे मज़ेदार से, गरम गरम से, और उन्हें इस कीमे के साथ एंजॉय करेंगे ग्रीन चटनी के साथ। और सैलड अभी हमने बनाई नहीं, लेकिन हम बना लेंगे। तो मेरा ख्याल है अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे दे इजाज़त। फ्लेम हम लोग करेंगे अपना बिल्कुल लो पे। इसकी मुसीबत ये है कि अगर मैं इसे बिल्कुल लो पे करती हूँ तो ये बंद हो जाता है। अगर हम इसे इस तरह रखेंगे तो होपफुली कि ये जो है ना, ये देखें बिल्कुल हल्की आँच पे ताकि ये गर्म रहे। और इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और मियाँ जी को देखेंगे क्यों क्या कर रहे हैं। और ये साथ साथ ज़रूरत पड़ी तो हम इसे यूज़ करेंगे। और ये आलू जो है वो हम खा लेते हैं। ये देखें वाह वाह जी वाह, इतना मज़ेदार। सोचा मुझे पानी दो। मसाले इसमें ये हमने गोश्त निकाल के रखा है, इसे हम कटवाएंगे। और इस स्टिकर को हमने उतारना है जो कि हमें समझ नहीं आ रही कैसे कैसे उतारा जाए, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। हाँ जी कितने हैं बच्चे? पिक्चर्स लेने गए। ये देखें जी जैसे ही हम अंदर से बाहर आते हैं, हो रहा है काम। और यहाँ पे खूबसूरत सा, और ये देखें जी ये ग्रास भी अभी हमारे लग गई। अब आप लोग बताएं अच्छी लग रही है कि नहीं, थोड़ा गंद पड़ा हुआ है क्योंकि काम अभी तक हो रहा है। और मैं आपको विंडो से दिखाऊंगी अंदर कौन बैठा हुआ है, आप लोगों ने गेस करना है कि अंदर कौन है। हेलो कौन है अंदर? घास गीला है क्योंकि बारिश हो रही है। अच्छा लग रहा है ना? मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। बस फिर मैं यहाँ पे आके खड़ी हो जाती हूँ। इसका मैं बिफ़ोर एंड आफ्टर जो है ना वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये पहले कैसे लग रहा था और अब कैसे लग रहा है। और जैसे ही अब हम लोग अंदर आएंगे तो अभी फर्नीचर हमारा नहीं आया, यहाँ पे भी छोटी सी हमने ग्रीन वॉल बनाने की कोशिश की है। मियाँ जी बैठे अपना काम कर रहे हैं और कुछ सोच ही पड़े हुए हैं। बच्चे अभी फ़ोटोज लेने के लिए गए हैं। टॉयज़ बच्चों कैसे ही पड़े, अभी यहीं पे बैठ के हम खाना खाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास टेबल नहीं आया, तो हम लोग चटाई पे बैठ के खाना खाते हैं। अब हम लोग बनाएंगे रोटी और आप लोग मुझे दें इजाज़त। ओ लाइट चली गई क्या हुआ? ओके जी अल्लाह हाफिज़। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से फॉलो भी करें और सब्सक्राइब भी करें, मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी करें। ओके जी अल्लाह हाफिज़। इसके साथ साथ हमारी ऑफर चल रही है, जब मेरे फेसबुक पेज पे, फेसबुक पे मेरा पेज है टेस्टी रॉबी फूड के नाम से, जब उस पर मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे हम आईफोन गिव अवे करेंगे, मेरे ब्रांड का ड्रेस, और तीसरे फॉलोअर को हम करेंगे कैश। और इसी तरह मेरे यूट्यूब के लिए कि जब मेरे यूट्यूब पे 6 लाख फॉलोअर हो जाएंगे
तो अपने जो हमारे टॉप फैन होंगे उनमें से हम आईफोन गिव अवे करेंगे, दूसरे नंबर पे ड्रेस और तीसरे नंबर पे कैश। अगर आप चाहते हैं कि आप इसका हिस्सा बने तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल टेस्ट अभी फूड इसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियोज़ को लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। इसी तरह सेम थिंग आपको फेसबुक पे मेरा जो पेज है टेस्ट अभी फूड उस पर भी ऐसे ही करना पड़ेगा। और क्या पता आप इतने लकी हों कि दोनों जगह से आपको आईफोन मिल जाए। तो अब ओके।